नमाज के फ़राइज़, ये वो फ़राइज़ हैं जो नमाज के अंदर अदा किए जाने की वजह से दाखिली फ़राइज़ हैं। इन फ़राइज़ को अदा किए बग़ैर नमाज होगी ही नहीं। अगर इनमें से एक काम भी जानबूझकर कसदन या भूलकर सहवन छूट जाए तो सजदा सौ करने से भी नमाज ना होगी, बल्कि असरे नौ यानी दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। नमाज के कुल सात फ़राइज़ हैं। नंबर एक तकबीर तहरीमा, नंबर दो क़याम, नंबर तीन क़िरात, नंबर चार रुकू, नंबर पाँच सजदा, नंबर छः क़ाद अखीरा, नंबर सात खुरूज बे सुनही। नमाज का पहला फ़र्ज तकबीर तहरीमा, हकीकतन ये शरायत नमाज से है, मगर चूँकि अफ़आल नमाज से उसको बहुत ज़्यादा इत्तिसाल है, इस वजह से इसका शुमार नमाज के फ़राइज़ में भी हुआ है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कह कर नमाज शुरू करना, हालांकि नमाज के दीगर अरकान की अदायगी और इंतकाल के वक्त भी अल्लाहु अकबर कहा जाता है, लेकिन सिर्फ़ नमाज शुरू करने के वक्त जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है वही तकबीर तहरीमा है और वो फ़र्ज़ है, उसको छोड़ने से नमाज ना होगी। नमाज के दीगर अरकान की अदायगी के वक्त जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है उसे तकबीर इंतकाल कहते हैं। नमाज के तमाम शरायत यानी तहारत, सतर औरत, इस्तकबाल क़िबला, वक्त, नियत का तकबीर तहरीमा के पहले पाया जाना ज़रूरी है। अगर अल्लाहु अकबर कह चुका और कोई शर्त मफ़कूद है ना पाई गई तो नमाज कायम ही ना होगी। तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से अहम मसाइल, जिन नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ है उसमें तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फ़र्ज़ है। अगर किसी ने बैठकर अल्लाहु अकबर कहा फिर खड़ा हो गया तो उसकी नमाज शुरू ही ना हुई। मसला, इमाम को रुकू में पाया और मुख्तदी तकबीर तहरीमा कहता हुआ रुकू में गया और तकबीर तहरीमा उस वक्त ख़त्म की कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुँच जाए, तो उसकी नमाज ना हुई।